वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, जो कि आप देखा करते हैं टेक टीवी पे। और इस पे हम लेकर आते हैं बर्निंग इश्यूज, बोल्ड एनालिसिस, बिटर ट्रूथ, लेकिन एक बैलेंस व्यूज़ के साथ। और साथ साथ हम मौका भी देते हैं उन तमाम लोगों को कि जिनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, महरूम लोगों को, मज़लूम लोगों को, ओप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ को, ओप्रेस कम्युनिटीज़ को, अब चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। और हमारा फोकस चूँकि ज़्यादातर साउथ एशिया है, और हम अपने साउथ एशिया को फोकस करते हुए जानना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो टैबूज क्या हैं कि जिस पे के हो सकता है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान का मीडिया भी बात नहीं करता, और पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर किस तरह से इस्तेहसाल होता है, किस तरह से कम्युनिटीज़ को महरूम किया जाता है। कश्मीर हमने नाम सुना है, लेकिन कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, कश्मीर के कई हिस्से हैं, जिसमें आपके इल्म में है कि लद्दाख और जम्मू एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जम्मू के साथ इतने सालों से जो कुछ हुआ वो शायद हमारे इल्म में नहीं है, और ना ही आपके इल्म में, ना ही उस पर मीडिया ने कोई बात की है। कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, यही मेरा आज का मुद्दा है। और कश्मीर की अपनी जो डायनेमिक्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और उसमें जो सबसे अहम किरदार, जो एक बैकबोन का किरदार, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, वो जम्मू है। जम्मू जो कमाऊपूत बेटा है, जो कमा के देता है, जो टैक्स देता है, जो कल्चर देता है, जो टूरिज्म देता है, लेकिन उसको क्या मिलता है, उसके बदले में जम्मू के लोगों को आज तक क्या मिला, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस सरकार ने जम्मू के लोगों की आवाज़ पे कान धरा और उनके मसलों को हल किया। आखिर कब तक ये पॉलिटिकल करेक्टनेस कब तक चलेगी? 370 के बाद ये सिचुएशन क्या ऐसी ही रहेगी? क्या कोई बदलाव आएगा, या फिर एक बार पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे, या कुछ लोगों को, कुछ तबकों को, कुछ धर्म को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए दीगर कम्युनिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी? आज हम इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मुद्दा है, और इस पर आज की जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, ये अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि इन आवाज़ों को सुने, इन बातों को सुने, इन शिकवों शिकायतों को सुने और इसको हल करें। क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर वही कुछ होने जा रहा है जो इतने अरसे से कश्मीर में होता चला आया है, और चंद ख़ानदानों, राजों, महाराजों की वहाँ पे इजारादारी रही है, वहाँ पे मोनोपोली रही है, तो फिर ये मसला हल नहीं होगा, ये मामला वहीं का वहीं रहेगा, लोग महरूम के महरूम रहेंगे। जब मैं कश्मीर के इस जम्मू हिस्से की बात करता हूँ तो मुझे मेरे जहन में एक बात आती है कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, पाकिस्तान से, और हमने ये देखा है कि कराची पाकिस्तान के, सिर्फ मोटर व्हीकल टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से कमा के देता है, और उसके बदले में उसको 2% भी वापस नहीं मिलता। इसी तरह से जॉब्स के लिए वहाँ पे कोटा सिस्टम लगाया गया है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में दाखिले के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया है कि लोकल कराचीआइट्स को दाखिले नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलती, और उसके बाद दीगर लोगों को खुश करने के लिए वहाँ के लोगों को महरूम किया जाता है। और मुझे जम्मू की दास्तान भी कुछ कराची जैसी ही लगी, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस जम्मू को जानने की कोशिश करते हैं, और अपने तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप भी देखें कि आप जो खुशी मना रहे हैं, जो इस वक्त 371 के बाद, जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनने के बाद कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन क्या मसला भी हल होगा? क्या बीजेपी वाले लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे तो आइए मैं आपको जम्मू से ही एक आवाज़ सुनाता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ पर क्या होता चला आ रहा है, इतिहास में क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त जम्मू से लाइव मौजूद हैं वीडियो लिंक पे अंकुर जट साहब, जो कि अंकुर शर्मा साहब, जो कि एकजुट के चेयरमैन हैं। एकजुट संगठन क्या है वो खुद ही बताएंगे। लेट्स वेलकम अंकुर शर्मा साहब को। वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये आपने जो एकजुट संगठन बनाया हुआ है, ये बहुत से लोगों को, ज़ाहिर है वहाँ लोकल लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी के ज़रिए, आज ये दुनिया भर में जा रहा है, तो पहले तो हमें बताएं कि ये है क्या, और फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपकी, आपका क्या नैरेटिव क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर को इंडियन स्टेट ने इन कंस्पिरेसी विद द मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1947 से अभी तक, खासकर 5 अगस्त तक, एक थियोक्रेटिक नॉन सेक्युलर इस्लामिक स्टेट के रूप में खड़ा किया था। ठीक। उसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो एकजुट जम्मू ने यह तय किया कि अब इस षड्यंत्र को
वो कारपेट के अंदर दबा नहीं रहने देंगे। आज तक इंडियन स्टेट ने इस अरेंजमेंट को प्रोटेक्ट किया था, हमने इंडियन स्टेट को टारगेट करना स्टार्ट किया कि आपको जम्मू कश्मीर को एज अ मुस्लिम स्टेट, एज एन इस्लामिक स्टेट, एज अ स्टेट जहां पे थियोक्रेसी और नॉन सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं, उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। और इसी बैकग्राउंड में हमने अपनी जंग स्टार्ट की, जिसका बुनियादी रूट कॉज जो हम समझते थे या जो जिस आधार पे ये स्टेट खड़ी थी वो 370 और 35 से था। सुप्रीम कोर्ट में हम गए और एक मुस्लिम स्टेट के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जो दूसरे चरण में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, उन सबके साथ लड़ाई करने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बुद्धिजीवी जुड़े हमारे साथ, ऐसे लोग जो 30-30, 35-35 साल से, 40-40 साल से पब्लिक लाइफ में हैं, नॉन फिगर्स हैं, उन सब ने मिलकर ये संगठन बनाया। उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और बहुत खुशी की बात थी कि लीगल एंटिटी, मुस्लिम स्टेट एज ए लीगल एंटिटी 5 अगस्त को खत्म हो गई। हमारी लड़ाई जो थी वो एक हद तक सफल हो गई। अब डी फैक्टो मुस्लिम स्टेट से जंग लड़ने की कार्रवाई एकजुट जम्मू आगे करेगा। डिस्क्रिमिनेशन जम्मू से, जिसे सब लोग नाम देते हैं, हम इसे स्लेवरी कहते हैं, जम्मू एनस्लेव्ड था, उससे अब मुक्ति हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फर्दर कंसोलिडेशन करने की जो जरूरत है, उस दिशा में भी काम एकजुट जम्मू करेगा। तो आपकी शिकायत किससे है, सरकारों से जो अब तक रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या उस पूरे नैरेटिव से है कि जहाँ पे एक कमाऊपूत जम्मू को और एक टूरिज्म वाली जन्नत को जो है कश्मीर के नाम पे जो है पीछे रखा गया है? देखिए, हमने शुरू से ये कहा कि इंडियन स्टेट ने ही इस अरेंजमेंट को अंजाम दिया है। जी, 1947 में शेख अब्दुल्ला को लेके जब नेहरू साहब आपके यूनाइटेड नेशंस में गए कश्मीर का मसला रखने के लिए, तो कोल्ड वॉर का एरा था, शेख अब्दुल्ला साहब को अमेरिकन्स ने अपनी गोद में बिठाया। सडनली शेख अब्दुल्ला साहब को लगा कि मैं तो नेहरू से भी अधिक पावरफुल हूँ, उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो मुझे कम्युनिकेशंस भी दे रहा है, आप तो फिर भी कम्युनिकेशंस अपने पास रख रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स मुझे दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आपसे ज्यादा दे रहा है, तो मैं एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट हूँ, आप मुझे ये बताइए मैं अपने मुस्लिम कंस्टिट्यूएंट्स को जाके क्या कहूँ कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, टू नेशन थ्योरी की बैकग्राउंड में आप उस समय समझिए 1947 में सेक्युलर इंडिया को एम्ब्रेस कर रही है, मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया इस अरेंजमेंट के लिए, मुझे अपने मुस्लिम कंस्टिट्यूएंट्स को वहां पे बताना है। तो नेहरू ने कहा आप क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस करिए जिसके जरिए मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलाया जा सके। तो उन्होंने उस समय आर्टिकल 370 और 35 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मेन क्रक्स ये था कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का कैरेक्टर फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस्लामिक इन नेचर रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी पूरी स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एक धर्म विशेष के लोगों के हाथ में रहेगी, जो एक नॉन सेक्युलर चीज थी, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हत्या करने वाला काम था। लेकिन ये इंडियन स्टेट ने अरेंजमेंट कश्मीर की मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया और कॉन्सिक्वेंशली इसमें जम्मू और लद्दाख को होस्टेज रखा गया, और जम्मू और लद्दाख को इंडियन स्टेट ने यह कहा कि आप नेशनल इंटरेस्ट में इस अरेंजमेंट को स्वीकार करिए और इसे बाहर कभी कहिए मत कि आप इस तरीके की स्लेवरी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है और हमें दुनिया को ये दिखाना है कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है वहां पे इंडियन सेक्युलरिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी देखिए किस हद से सक्सेसफुल हुई है, कि मुस्लिम्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में शमूरियत करके, इन्वॉल्वमेंट करके डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की देखिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। लेकिन मुझे लगता है वो सबवर्जन थी उस आइडिया के जो डेमोक्रेसी को ट्रूली डिफाइन करता है। आप जम्मू को और लद्दाख को होस्टेज रख रहे थे कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों और उस अरेंजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सेक्युलरिज्म की हत्या सबसे पहले इंडियन स्टेट ने की, इसीलिए हमने एकजुट जम्मू के माध्यम से ये कहा कि इंडियन स्टेट इस्लामिक स्टेट विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसे प्रोत्साहन दे रही है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड कर रही है। उसी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और 5 अगस्त को उस लड़ाई में हमने एक वॉटरशेड विक्ट्री जो है वो पाई। और मैं आपके दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि इससे पहले 370 या 35 को खत्म करने के कारण जो भी पार्टीज बताती थी, खासकर भाजपा हो गई या हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि देखिए एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, दो संविधान, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, वो आइडिया ऑफ नेशन के खिलाफ है, दो झंडे नहीं हो सकते। और इसके अलावा 370 जो है वो महिला विरोधी है, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और इससे डेवलपमेंट रुकती है। लेकिन पहली बार मोदी अमित शाह की सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा, इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा
कि 370 और 35 ए का खात्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टेररिज्म और सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है। यानी क्लियरली उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 ए जिहाद के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बात एकजुट जम्मू कह रहा था। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 2-3 साल में लड़ाई लड़के और डायरेक्टली प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकार के और जो दोषी हैं उन पे सीधा हमला करके जब हमने मासिस को एजुकेट करने की कोशिश की तो इंडियन स्टेट ने ये कोर्स करेक्शन की और भाजपा की सरकार ने 370 और 35 से खत्म करके मुस्लिम स्टेट एज अ लीगल एंटिटी उसे डिसमेंटल किया, जो हमारी डिमांड थी, जिसके लिए हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, इसके अलावा हाल ही में 5 अगस्त से 10-15 दिन पहले ही हमने यहाँ के बड़े होटल में पूरे जम्मू प्रोविंस की जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी हजारों की संख्या में जिसने शुमूरियात की उस पर एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव करवाया था 370 और 35 के खत्म होने पे, जिसमें एग्जैक्टली यही बातें कही गई थी जो आपको पार्लियामेंट में सुनने को मिली। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस लड़ाई को एक तो आप समझते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, यहाँ पे रुक गई है, क्योंकि होता क्या है कि अभी जिस सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए, वो ये होता है कि रिलीजन और स्टेट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन लग यूँ रहा है कि आपके खित्ते में, इस रीजन में टोटल पॉलिटिक्स ही रिलीजन पे हुई है, और जो जिस तरह के राजे महाराजे वहाँ पर रहते थे, जिस तरह के वहाँ पर ख़ानदानों की हुकूमत थी, और वही हुकूमत रही है 70-72 साल, और आप अपनी एक जंग लड़ते रहे और आपको एक छोटी सी विक्ट्री मिल गई कि 370 धारा जो है वो हटा ली गई। लेकिन क्या ये विक्ट्री है, क्या यहाँ पे अंत हो जाता है आपकी स्ट्रगल का? देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। मैंने ये कहा कि 370 और 35 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस थे, इसके जरिए भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, यानी एक इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक रिपब्लिक का निर्माण किया, मिनी पाकिस्तान बना दिया। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान, मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जब आप उसे एक धर्म दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, बिल्कुल पाकिस्तान सेक्युलर रिपब्लिक या सेक्युलर स्टेट नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक है। तो देखिए, षड्यंत्र इतना बड़ा था कि भारत की, इंडिया की सेक्युलर टेरिटरी के अंदर एक स्टेट जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपने उसे इस्लामिक स्टेट बना दिया, यानी भारत के अंदर एक कैंसर को जन्म आपने दे दिया जो फैल रहा था आस्ता आस्ता। तो 370 और 35 से खत्म करके केवल और केवल लीगल एंटिटी इस्लामिक स्टेट या थियोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि इस्लामिक मेजोरिटी था तो इसलिए मैं इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेनली एक थियोक्रेसी, थियोक्रेटिक स्टेट जो सेक्युलर स्टेट नहीं होती, उसे आपने 370 और 35 से करके लीगली खत्म किया है। लेकिन डिफैक्टो मुस्लिम स्टेट अभी भी इन प्लेस है, फॉर्मुलेशन के लेवल पे इन प्लेस है, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में ये अभी घुसी है, पॉलिसी के लेवल पे ये आपको देखने को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जम्मू के साथ या एनस्लेवरी एनस्लेवमेंट का जो आलम रहा है वो अभी भी इन प्लेस है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें रास्ता मिला है, एक दीवार हमारे सामने से हटी है कि इस्लामिक स्टेट के इन सब सिम्टम्स को, जो भी मैनिफेस्टेशंस थी पॉलिटिकल लेवल पे, उसे हम रिवर्स करने का काम स्टार्ट करेंगे। मसलन मैं आपको बताऊं, पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो जम्मू कश्मीर की स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी में बात कर रहा हूँ, वो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स को इलीगली दे रही थी। मुझे पर्सनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जून 2016 में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी पड़ी और 2 साल मुझे लगे इस 70 साल के अन्याय को खत्म करवाने के लिए। 2 साल के बाद हमने ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों के घुटने वहां पे टिकवाए और ये मनवाया कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू सिख क्रिश्चियन जैन बौद्ध है, मुसलमान नहीं है, और 60-70 स्कीम्स का फायदा और स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की जो प्रोटेक्शन है वो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये 370 और 35 के जरिए एपरेटस ही इस्लामिक स्टेट का बना था तो नॉन मुस्लिम्स को उनके फंडामेंटल राइट्स भी डिनाई किए जा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मुझे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, अभी भी उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो 370 खत्म होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को उनके माइनॉरिटी राइट्स अभी नहीं मिले हैं, फॉलो अप प्रोसेसेस के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि असल मसला ये है ना कि आप टैक्स तो जम्मू से लेते हैं, अच्छा उसके बाद जो ब्यूटी है जिसे हम कहते हैं कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर जगह है, वो तो आपके जम्मू में है सारा, डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, पूंछ हो गया, बानी हो गया,
یہ ایسی بہت ساری خوبصورت علاقے ہیں جو کہ ٹورزم جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، سب سے زیادہ وہاں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ سننے میں ہمیں صرف کشمیر آتا ہے. جو جن سنگھ کا موٹو یہ تو نہیں تھا نا کہ جموں سے کشمیر بنے گا، بلکہ ان کا تو یہ تھا کہ جموں، لداخ اور کشمیر کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور اس کو پرزرو کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. لیکن یہ تو کہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن، یہ تو کہیں کھو گئی ہے، یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں کہ ڈسکریمنیشن ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سب چیزیں ہونا اسی چیز کا سمٹم تھا جس کی پہلے چرن میں میں نے بات کی کہ جموں کشمیر میں وہ ایریاز جو نان مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، نہ وہاں پہ ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے گا. آپ نے جموں اور لداخ کی بات کی، میں آپ کو فرنٹ پیج پہ یہاں کی بہت ہی ایک لارجلی سرکولیٹڈ ڈیلی ایکسلشر کی میں بات کروں، فرنٹ پیج پہ کور چھاپی تھی کہ جموں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک روڈ شو ملیشیا میں آرگنائز کیا گیا تھا. اس کے لیے کچھ پیسے آبنٹت کیے گئے تھے، باقاعدہ ایک کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جموں کے ایریاز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں سے ٹیمز بھیجی جائیں گی. ان کے لیے 20 لاکھ کے قریب سینکشن ہوئے تھے. اور یہ فرنٹ پیج پہ خبر آئی کہ یہ 20 لاکھ جموں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کینسل کر دیے گئے، اور بہت سارے فنڈز جو ہیں وہ سائفن آف کر دیے گئے کشمیر کے لیے، اور کشمیر کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے لیے پوری بیوروکریسی میں لگی تھی وہاں کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو باہر بھیجنے میں. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے پچھلے چند دن پہلے جموں ٹوریزم کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا، ڈائریکٹر جموں ٹوریزم کا، وہ اس کو کمبائن کر دیا تھا. سننا تھا کہ اس کو الگ الگ کرنے کے بجائے ایک کر دیا تھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے سوچ کے لیول پہ، سائیکولوجیکل لیول پہ، فارمولیشنز کے لیول پہ، پرائیورٹیز کے لیول پہ، پالیسی کے لیول پہ، ابھی بھی جو مائنڈ سیٹ تھا جو 370 ختم ہونے سے پہلے اسٹیٹ کا ایک چرتر تھا، وہ ابھی بھی زندہ ہے، جسے ہم ڈی فیکٹو مسلم اسٹیٹ کہتے ہیں. اور ایک جٹ جموں کا یہ پرن ہے کہ اس ڈی فیکٹو مسلم اسٹیٹ کے خلاف بھی ہم لڑائی لڑ کے یہاں کے لوگوں کو نیائے دلوائیں گے. اور انفیکٹ جموں کی چاہے ڈیولپمنٹ ہو یا پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو، اس کے لیے کنٹینیوسلی کام کرتے رہیں گے. تو میں نے میرا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے. لڑائی تو شروع ہوئی ہے، لیکن آپ کے جو ہسٹوریکلی میں جب دیکھتا ہوں فیکٹس، تو کیندر سے ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے آپ کے نام پر، جموں کے نام پر پیسہ آتا ہے، بجٹ آتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ کون سی بیوروکریسی نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے، پی جاتی ہے کہ وہ لگ نہیں پاتا؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جموں کلچرل ہیریٹیج کا جو ایک ٹویٹر ہینڈل تھا وہ الگ تھا، لیکن اس کی ایک پروموشن کو کس سازش کے تحت روکا گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کوشچن ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بڑا فنڈ آتا تھا ہر بجٹ میں آتا تھا، وہ کیوں نہیں لگا آج تک؟ کیوں آپ لوگوں نے شور نہیں مچایا اس وقت؟ دیکھیے بہت شور مچایا، لیکن انفارچونیٹلی نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ، اور دیکھیے پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز تھی اور آواز جموں کی کہیں نہیں اٹھنے دی، انہوں نے لیڈرشپ ویسی اسٹرانگ پروموٹ نہیں ہونے دی، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی انڈین اسٹیٹ اور مسلم اسٹیبلشمنٹ آف کشمیر کے بیچ میں کہ جموں کشمیر کو ہم نے مسلم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی چلانا ہے. تو اس لیے نہ جموں کی آواز کو اٹھنے دیا گیا، نہ لداخ کی آواز کو اٹھنے دیا گیا. اور آپ دیکھیے 370 ختم ہونے کے بعد ہی جموں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، لداخ سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اور اس کا ایک پریکرسر جیسے ایک جٹ جموں فارم ہوا 2 سال پہلے، اور ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہم نے سٹارٹ کیا انڈین سٹیٹ کو کہ آپ اس ارینجمنٹ کو ختم کریے. اسی ارینجمنٹ کے یہ سب سمٹمز ہیں کہ 80,000 کروڑ روپے اگر کیندر سرکار، سینٹرل گورنمنٹ جموں کشمیر لداخ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجے گی، تو 80,000 کروڑ میں سے 70,000 کروڑ کشمیر میں لگایا جائے گا، 5,000 کروڑ جموں بھیج دیں گے، 4,000-5,000 کروڑ لداخ میں بھیج دیں گے، اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ دیکھیے فنڈامنٹل ایشو یہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ 370-3500A ہونے کے کارن یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز آف لوکل سیلف گورننس ہیں، جو الٹیمیٹلی گراس روٹ لیول تک گورنمنٹ کی اسکیمز کو، گڈز اور سروسز کو، پبلک گڈز اینڈ سروسز کی افیکٹو ڈلیوری کر سکتے ہیں، ان کا کوئی استتو ہی نہیں تھا. یہاں پہ 20-25 سال تک ان ریپرزینٹیٹو انسٹیٹیوشنز میں الیکشنز نہیں کروائے جاتے تھے، تو بیوروکریسی بھی الائنڈ تھی اسی مسلم انٹرسٹ کو سبسرو کرنے میں، جسے انڈین اسٹیٹ نے خود کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کیا تھا. تو پھر کہاں جموں کا کچھ بننا تھا یا لداخ کا کچھ بننا تھا؟ اونلی وین وی اسٹارٹڈ چیلنجنگ دس ارینجمنٹ، اور لوگ یہاں پہ اویئر ہونے لگے اس ارینجمنٹ کے بارے میں، کیندر سرکار کو دباؤ میں آ کے، اور اب جو پولیٹیکل پارٹی تھی ان کے تو مینیفیسٹو میں بھی تھا، الٹیمیٹلی ان کو ڈیسیجن لینا پڑا. مجھے اب لگتا ہے کہ اب یہ پروسیس ریورس ہونا اسٹارٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے جموں کو اپنی آواز اور بلند کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بیوروکریسی کے سائیکولوجیکل لیول پہ، فارمولیشن اور پالیسی کے لیول پہ ابھی بھی وہی سوچ ہے کہ جموں کو پیچھے ہی رکھنا ہے اور سب کچھ کشمیر کو ہی ہینڈ اوور کرنا. بالکل. اور میری ابھی اسی پروگرام سے پہلے کچھ بی جے پی کے دوستوں سے بات ہوئی،
महाराष्ट्र में भी और दूसरी जगहों पे भी, वो ये कहते हैं कि आप देखिएगा बहुत चेंज आ जाएगा, अब हम पॉलिसी में तब्दीली ला रहे हैं, अब जो है वो जम्मू के लिए अच्छा होगा। और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले किसी प्रोग्राम में आपके साथ में किसी बीजेपी के बड़े लीडर को भी बिठाऊं, नेता को, और उनसे बोलूं कि आप बताएं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि बज़ाहिर तो हमें नज़र कुछ नहीं आया, ना आने वाले दिनों में कोई नज़र आ रहा है। जो एक सबसे बड़ा मसला, जो मैंने पहले भी कहा कि जो बजट हर साल आपको दिया जाता था, वहाँ का अपना एक भ्रष्टाचार जो कल्चर है ब्यूरोक्रेसी का, और इनके साथ जो गठबंधन है नेता के साथ, जो वहाँ पे फैमिलीज रूल करती रही हैं, वो खा जाते थे। और मज़े की बात ये है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस पूरे रीजन में जो ब्यूरोक्रेट हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो नेता बन जाते हैं, इसलिए कि उनको वो सारे रास्ते मालूम होते हैं कि ये करप्शन कैसे होती है, ये पैसा कैसे खाया जाता है और किसको साथ मिला के खाया जाता है। मैंने एक प्रोग्राम अभी पिछले दिनों किया था जिसमें मैंने कश्मीर के जो भ्रष्टाचार का जो एक प्रॉब्लम है, इशू है, उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की थी कि वहाँ पे किस तरह से पैसा खाया जाता है, किस तरह से ख़ानदानों के मिलावट मिल के जो है ना वो एक दूसरे के साथ लूटते हैं इस पूरे रीजन को, खुद अमीर होते हैं और जो लोकल वहाँ का है बेचारा वो गरीब ही रहता है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी आप हमारा राज है यहाँ पर, हम राजे हैं यहाँ के, हम और वो सारे के सारे मुस्लिम फैमिलीज़ रूल कर रही हैं। और अगर अंकुश शर्मा जैसे लोग एक आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ इस पूरे नक्कारखाने में सुनी नहीं जाती, लेकिन प्राइम टाइम के ज़रिए आज हम ये आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये क्यों केंद्र से मिलने वाला बड़ा हिस्सा, क्यों जम्मू के कानून पसंद शहरी जो हैं उनको, जो नागरिक हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनको इस हिस्से से महरूम रखा जाता है, ये कौन सी साजिश है? कोई ना कोई तो साजिश है ना इसमें। देखिए मैंने शुरू से ये बताया ना, ये देखिए सोच के लेवल पे जो हमारे लीडर्स 1947 में आए वो बहुत, मैं कहूंगा पिग्मीज थे। उन्होंने बहुत ओवर सिंपलिस्टिक व्यू लिया कि जम्मू कश्मीर में अगर आप मुस्लिम्स के जरिए डेमोक्रेसी को सक्सीड करवाते हैं, यानी इंश्योर करते हैं कि मुस्लिम्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे सरकार चलाएं, तो ये इंडियन सेक्युलरिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी की विक्ट्री रहेगी। अब उस सोच में, उस अरेंजमेंट में फंडामेंटल फ्लॉज थे, लेकिन उस सोच का कंसिक्वेंस इम्प्लीकेशन ये निकली कि जम्मू कश्मीर का गुलाम, लद्दाख कश्मीर का गुलाम, और इस अरेंजमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, जिसे मैंने कहा 1947 ऑनवर्ड से। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जम्मू के साथ, तो मोदी सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर आप? देखिए मोदी सरकार ने 370 और 35A को खत्म किया ये कह के कि अलगाववाद, सेपरेटिज्म और टेररिज्म को प्रमोट करता था, ठीक है। यानी हम ये कहते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे कोई जिहादी इंट्रूजन हुई है संविधान में तो 370 और 35A है। तो फंडामेंटली मोदी सरकार ने इन्हें खत्म करके पार्लियामेंट के जरिए कम से कम अपनी ये निष्ठा तो बता दी है राष्ट्र के प्रति कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और जिहाद को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए हम इन्हें ये कहते थे अपने तमाम कॉन्क्लेव्स में, सेमिनार्स में, पब्लिक डिबेट्स में कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1980s के बाद स्टार्ट किया कि देखिए आप डेमोक्रेसीज पे कब्जा कैसे करेंगे, डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुसिए और फिर आप उन्हें सबवर्ट करिए, खत्म करिए अंदर से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड ने इनफैक्ट 1980s के बाद ये स्टार्ट किया, ये शेख अब्दुल्ला ने 1947 में और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 1947 के बाद से स्टार्ट कर दिया था, वो एक्सपर्टाइज हासिल कर दी थी। तो इस चीज की रियलाइजेशन मोदी सरकार ने पहली बार की, इससे पहले कोई भी सरकार इस चीज को रियलाइज नहीं करती थी कि डेमोक्रेसी को अंदर से सबवर्ट किया जा रहा है। इन्होंने ये रियलाइज किया, इसे खत्म किया, तो कम से कम एक जो नर्सरी थी, जो लेजिस्लेटिव जिहाद की या कॉन्स्टिट्यूशनल जिहाद की जो नर्सरी थी, उसे खत्म करने का काम कम से कम मोदी सरकार ने किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जाता है। हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली या कहीं की भी लेजिस्लेटिव असेंबली एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर सेटअप में एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन होता है और सबसे बड़ा सेक्युलर इंस्टीट्यूशन होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बिजनेस प्रोसेस होता है उसकी आउटकम कम्युनल नहीं हो सकती, लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर में चूंकि ये एक इस्लामिक स्टेट की तरह खड़ी थी, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जिहादी प्रिंसिपल्स पे काम करती थी, इन्होंने कानून बनाया कि जम्मू प्रोविंस में जितनी भी स्टेट लैंड है आप उसे उसके एनक्रोचर्स को दे देंगे। नॉर्मली कानून ये बनता है कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी रकबा है, स्टेट लैंड है, सरकारें उसे वापस लेती हैं एनक्रोचर्स से, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी
कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जम्मू में डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, जम्मू का इस्लामाइजेशन करने के लिए, जम्मू में माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए आप एक ऐसा कानून बनाएंगे जो उस उद्देश्य को पूरा करवा सके। इन्होंने वहां पे जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, रोशनी एक्ट जिसे कहते हैं, वो लेजिस्लेट किया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जिसका उद्देश्य ये था और जिसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद ये सामने आया कि जम्मू संभाग में जितनी भी स्टेट लैंड अंडर एनक्रोचमेंट थी और बाद में स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से एनक्रोच करवाई गई, 99% ऑफ द स्टेट लैंड जो थी, 99% के करीब वो स्टेट लैंड कानून बना के मुसलमानों को दे दी गई। यानी 20 लाख कनाल की अगर मैं बात करूं सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसमें से 18-19 लाख के करीब जम्मू संभाग में बाहर से लाए हुए मुसलमानों को जमीनें दे दी गई, यानी उन्हें वहां पे सेटल कर दिया गया। तो आप सोचिए कि क्या लेजिस्लेटिव लेवल पे जिहाद करने की बात है या नहीं। लेजिस्लेटिव रूट से इन्होंने इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया और स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज की कानून बना दी। देखिए इस तरीके से इन्होंने यहाँ की जिस डेमोग्राफिक इन्वेजन की आप बात कर रहे हैं वो विदिन स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, यानी कि आपका कहने का मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी उसने बहुत ही क्लैंडेस्टिनली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया जिसे 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर कहते हैं, और जो बहुत एक सीक्रेट ऑर्डर था। इसमें भाजपा के जो कोएलिशन पार्टनर थी बीजेपी पीडीपी के साथ, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस ऑर्डर के बारे में हमें नहीं पता था। वो बहुत ही क्लैंडेस्टिन तरीके से इशू किया हुआ ऑर्डर था जो मेरे हाथ लगा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने पहली बार जम्मू कश्मीर में और देश के सामने उस ऑर्डर को रखा था। उस ऑर्डर में चीफ मिनिस्टर एसएसपी पुलिस को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे रही है, ऑर्डर्स दे रही है इन राइटिंग कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में, जम्मू प्रोविंस में किसी भी तरीके की जमीन पे कब्जा करता है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उस जमीन से उसे एविक्ट किया जाए, निकाला जाए, तो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को लिख के ऑर्डर दिया था चीफ मिनिस्टर ने उस समय की कि आप पुलिस असिस्टेंस उस एविक्शन के लिए मुसलमानों के करीब के खिलाफ पुलिस असिस्टेंस नहीं देंगे। और तीसरा जो उसमें ऑर्डर ये था कि मुसलमानों के जो काउ स्लॉटर और बोवाइन स्मगलिंग, देखिए गाय को माता का दर्जा दिया जाता है हिंदुओं के द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा, सिखों के द्वारा, जैन के द्वारा, तो काउ स्लॉटर जम्मू कश्मीर में बाई लॉ बैंड है, बोवाइन स्मगलिंग पे, बोवाइन स्मगलिंग इज एन ऑफेंस। तो चीफ मिनिस्टर ने उस 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर में लिख के दिया कि अगर मुसलमान काउ स्लॉटर या बोवाइन स्मगलिंग करता है तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे। तो देखिए लेजिस्लेटिव लेवल पे ये जिहादी ताकतें ऑपरेट कर रही थी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को सबवर्ट करके, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये जिहादी ताकतें काम कर रही थी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबवर्ट करके। तो मुझे लगता है कि क्रिस्टल क्लियर था कि किस तरीके का अरेंजमेंट था, और 370 और 35 के बाद कम से कम ये लीगली, मैं कहूँ एज अ लीगल एंटिटी, ये डिसमेंटल हुआ है, जो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। क्योंकि देखिए कानून बना के अगर आप किसी समाज को खत्म करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे धर्म को आधार बना के, तो फिर वो डेमोक्रेसी शैम डेमोक्रेसी है। भारत को, मतलब किसी भी देश को ये समझना चाहिए कि ये मॉडस ऑपरेंडाई है, और 370 और 35 को खत्म करना इसके भी जरूरी है। तो अभी अभी आपने देखा होगा आजकल टेलीविजन पे काफी दिन चल रहा है कि काफी अरसे से खामोश मौलवी साहिबान, जिन्हें हम उलमाए हिंद के लीडर्स भी कहते हैं, आज वो मैदान में उतरे हैं और वो भी कश्मीर के दावेदार और कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए हक में बातें कर रहे हैं, उसके लिए बातें कर रहे हैं, और आपकी आवाज़ बहुत मामूली सी कहीं कहीं सुनाई दी जा रही है। और फिर एक मरतबा मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ओवर पावर करके फिर से आप माइनॉरिटी रह जाएँ, फिर से आप महरूम रह जाएँ और फिर से आपकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाए। तो ये जो एक ताकत है, जो धर्म की जो ताकत इस्तेमाल की जाती है, इसको सेकुलरिज्म ही ख़त्म कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा बीजेपी इस बात को सीरियस ले और इसको कोई पॉलिटिकल इशू बनाने के बजाय एक नेशनल नैरेटिव लेके सोचे कि ये इस पूरे एरिया में हुआ क्या है अब तक। यहाँ इतने अच्छे लोग, ये बड़े मासूम लोग हैं जम्मू के, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने इस पर रिसर्च की है, बहुत सीधे अमन पसंद, कानून पसंद शहरी हैं, और उनके साथ
زیادتی ہوتی ہے وہ اس پہ آہ بھی نہیں کرتے اور انکور شرما جیسے لوگ جب آتے ہیں میدان میں تو ان کی آواز تھوڑی تھوڑی دھیمی دھیمی سنائی دی جیسے ہی دی جانے لگتی ہے اس کے اوپر ایک بڑے نیشنل نیٹ ورک پہ علماء ہند آتے ہیں اور اس کو کور کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے کیسے فائٹ کریں گے انکور دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اب انڈین اسٹیٹ نے بھی کورس کریکشن کر کے آگے قدم بڑھائے اپروگیشن آف 370 اینڈ 35 اے اس کا پرمان ہے اس کا ثبوت ہے اینڈ ایک جٹ جموں کے لیول پہ اور جموں کے اور انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کر کے نیریٹیوز کی لڑائی کس طریقے سے لڑنی ہے اس کے اوپر بھی ہم منتھن کر رہے ہیں اس کے لیے پریاس کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جموں کی آواز اور بلند ہوگی کیندر سرکار کو بھی اب یہ سوچنا ہے کہ ایک ایسے ایریا میں جو ایک ٹربلڈ ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ آپ اینٹی نیشنل فورسز کو پولیٹیکلی امپاور نہیں کریں گے جی وہاں پہ آپ نیشنلسٹ فورسز کو امپاور کریں گے مجھے لگتا ہے کہ سوچ میں وہ تبدیلی آ رہی ہے اور جس لیول پہ ہماری بات ہوتی ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ اب سطح جموں کشمیر کے اندر راشٹروادی لوگوں کو یعنی نیشنلسٹ لوگوں کو سونپی جائے گی اور کمیونل لوگوں کے ہاتھ میں سطح نہیں سونپی جائے گی اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن ایک طریقہ رہے گا اور سینسس جو 2021 میں ہونے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیئر سینسس کروائے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کشمیر میں جہاں 50 گھر ہیں زمین پہ 50 راشن کارڈز ایشو ہیں وہاں سینسس میں 500 گھر دکھائے گئے کشمیر میں جہاں پہ 50,000 پہ ایک ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ایم ایل اے چنا جاتا ہے جموں میں وہیں 1.5 لاکھ کی کنسٹیٹیوئنسی پہ ایک ایم ایل اے چنا جاتا ہے یعنی 3 جموں والوں کا ووٹ ایک کشمیری کے ووٹ کے برابر ہو گیا جی. یعنی ایک مسلمان کا ووٹ 3 ہندوؤں کے برابر ہو گیا اگر میں دھرم کو آدھار بنا کے یا ان کی سوچ کو سامنے رکھ کے کہوں جی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ اب انڈین اسٹیبلشمنٹ کو آ رہی ہے اور 370 اور 35 اے کا ختم ہونا اسی سوچ کا پریچایک ہے مجھے لگتا ہے کہ فالو اپ جو اس کے امپلیکیشنز ہوں گی اپروگیشن کی وہ فالو کریں گی اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کی آواز کو بلند کیا جائے گا لیکن سب سے پہلے پولیٹیکلی امپاور کرنا جموں کو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اپنا حق مانگتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے ہماری ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ہونی چاہیے کسی دھرم کو کسی سوچ کے کارن پروموٹ کرنے کی منشا سے آپ لیجسلیٹو اسمبلی کا کریکٹر نہیں نردھارت کریں گے کیونکہ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے بھی خلاف ہوگا سیکولرزم کے بھی خلاف ہوگا اور کوئی بھی چیز پولیٹیکل لیول پہ جو سیکولرزم کے خلاف ہے وہ دیش کے بھی خلاف ہوتی ہے کیونکہ دیش سیکولر کریڈینشلز پہ ہی چلا جا سکتا ہے اس میں دھرم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی پولیٹیکل افیئرز میں سیکولرزم کو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں اور نہ ڈائریکٹ طریقے سے نہ انڈائریکٹ طریقے سے آپ دھرم کو انٹروڈیوس کر کے دھرم کے آدھار پہ ڈسکرمنیشن کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر انکور شرما کو کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ملتی ہے اس ایریا میں کہ آپ اس کو ٹیک کیئر کریں تو کیا پھر مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوگا کہ اب انکور شرما آ گئے ہیں اب ہمارے حق محروم ہوں گے یا ہم نہیں رہ پائیں گے اس میں یا آپ ایکویلٹی کے ساتھ نان ڈسکریمنیشن کے ساتھ سب کے ساتھ چلیں گے دیکھیے اگر ہم اسلامک کمیونلزم یا اسلام فاسزم جسے ہم جموں کشمیر میں کہتے ہیں اس کے خلاف اگر لڑ رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہم کمیونلزم کے خلاف لڑ رہے ہیں اب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جموں کشمیر میں کمیونلزم اسلامک کمیونلزم ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کمیونلزم کے خلاف لڑائی لڑنا سیکولرزم کی لڑائی ہے تو مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیکولرزم کی لڑائی لڑ رہے ہیں اسے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے ایکوالٹی کے لیول پہ ٹریٹ نہیں کیا جائے گا لیکن ہاں وہ مسلمان جو اسلامک کمیونلزم کو جسٹیفائی کریں گے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر ہمارے سماج میں سیکولر سماج میں ایسے کمیونل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور فنڈامنٹلزم کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا انڈیا ایز اے نیشن 1947 کے بعد ٹو نیشن تھیوری کے پرنسپل پہ نہیں بنا ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کر کے بنا اسی لیے دھرم کو بنا آدھار بنائے ہوئے وہ مسلمان جو سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم اسلامک کمیونلزم اسلامک فنڈامنٹلزم کو اپوز کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے کی کمیونلزم یا فنڈامنٹلزم چاہے وہ ہندو فنڈامنٹلزم ہو ہندو کمیونلزم ہو اسے بھی اپوز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ساتھ مل کے چل سکتے ہیں اور مسلمان کے لیے بھی اسلامک فنڈامنٹلسٹ معاشرے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے مسلمان کی ترقی بھی ایک سیکولر معاشرے میں سیکولر پالیٹی میں ہو سکتی ہے تو اسی لیے سیکولرزم کی لڑائی بھی بڑی لڑائی ہے اور اس میں مسلمانوں کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے بعد جو اس کے ریزلٹس ہوں گے آبویسلی وہ پازیٹیو ہوں گے وہاں پہ دھرم کے آدھار پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی سب کو برابری کا حق ملے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ لداخ جموں اور کشمیر ان تینوں ریجنز میں سے جو ہوم گرون
टेररिज्म है, आतंक है, वो किस में ज्यादा है और क्यों है? देखिए कश्मीर में आप देखिए कश्मीर से कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया है। सैयद सलाउद्दीन आपके पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ से मौलाना मसूद अजहर वो पाकिस्तान में जाके बैठे हैं, यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन एक पैन इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, कश्मीर से दो तीन टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। इनफैक्ट हिजबुल मुजाहिदीन की हिटलिस्ट पे तो मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हिजबुल मुजाहिदीन ने हिटलिस्ट जारी करके मेरा और एक व्यक्ति और जो भाजपा के यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये न्यूज़पेपर्स में आई, फ्रंट पेज पे आई उन्होंने, और ये सब होमग्रोन टेररिस्ट हैं जो कश्मीर संभाग से संबंध रखते हैं और जो ना ही सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी या जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस्लामिक कम्युनलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और एक इस्लामिक मुआशरा सेटअप करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़ाई की जगह हिंदुस्तान में है, और 100% जो होम ग्रोन टेररिज्म है वो कश्मीर प्रोविंस से, खासकर साउथ कश्मीर से ये पनपता है, वहीं से पनपा है और इतिहास गवाह है और रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए हिजबुल मुजाहिदीन देखिए कहाँ से रिक्रूटमेंट कर रहा है, अब तो लश्कर ए तैयबा कहाँ से रिक्रूटमेंट कर रहा है आपको सब पता चलेगा। 100% कश्मीर से ये रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं और वहीं पे ये जिहाद जो है आर्म्ड जिहाद चल रहा है। अच्छा अंकुर जी, कहा जाता है कि इस वक्त कश्मीर रीजन का जो रबता है, कॉन्टैक्ट है, वो टूटा हुआ है दुनिया से, और आप इस वक्त हमारे सामने शाक साक सलामत बैठे हुए लाइव वीडियो के जरिए बात भी कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि सूरत हाल क्या है, सड़कों पे क्या हालात हैं? जो बताया जाता है पाकिस्तान के नेटवर्क टेलीविज़न पे कि बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है और आर्मी जो है वो लोगों को मार पीट रही है, ज़िंदगी मफलूज हो गई है, कुछ ऐसी सूरत हाल है या कुछ और कहानी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू में तो लाइफ वैसे ही है जैसे 5 अगस्त से पहले थी, एब्सोल्युटली नॉर्मल। लद्दाख में भी यही है, कश्मीर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम्युनिकेशन के लेवल पे लगाई गई हैं, क्योंकि देखिए 370 और 35 से खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने जो किया वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने क्लियरली एग्जॉर्ट किया कि टेररिस्ट अटैक्स हों कश्मीर में, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनलाइज इसे करना है और वहाँ पर ट्रबल्स क्रिएट करने की कोशिश की, तो लोगों को बचाने के लिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो पाए उसके लिए अगर सरकारें नॉर्मल तरीके से कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हुल्ला करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली श्रीनगर में भी लाइफ नॉर्मल है, आप देखिए आज की यहाँ फ्रंट पेज पे खबर छपी थी जहाँ पे कश्मीर की सड़कों पे दौड़ती गाड़ियां नजर आ रही थी, और आप देखिए कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है क्योंकि इस तरीके की कोई इंसिडेंट्स कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, कश्मीर शांत है, लेकिन वहां पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेररिस्ट एक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, और पाकिस्तान की प्रोक्लेम्ड जो साजिश है कि हम कश्मीर में ट्रबल्स क्रिएट करेंगे और टेररिस्ट को एग्जॉर्ट कर रहे हैं कि आप करिए जाके अटैक करिए, पुलवामा जैसे अटैक करिए, उन चीजों को रोकने के लिए अगर आर्मी की प्रेजेंस सड़कों पर है तो मुझे लगता है वहां के लोगों को बचाने के लिए है, और आर्मी और जो CRPF है या जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लोगों की कोऑपरेशन से ही अभी तक इन टेररिस्ट अटैक्स को रोक पाई है। अगर वहां पे आज की डेट में 370 35 से खत्म होने के बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हुई या कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ तो वहां की लोकल पॉपुलेशन की कोऑपरेशन के कारण ही हो रहा है, और कोऑपरेशन तो तभी मिलेगी जब आपके रिश्ते जो है आर्मी से और पैरामिलिट्री या पुलिस से आपके सही है। और देखिए अगर आप कहेंगे कि अब नॉर्मलसी लाने के लिए कुछ दिन अगर मोबाइल बंद कर दिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो इसमें तो देखिए ये तो डिबेट का इशू भी नहीं होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, और वैसे ही लाइफ नॉर्मल है वहाँ पे, कोर्ट्स काम कर रहे हैं, स्कूल काम कर रहे हैं, अब तो प्राइमरी 10th तक के स्कूल भी सब चल पड़े, आप ऑटो देखेंगे सड़कों पर दौड़ते हुए, गाड़ियाँ देखेंगे, बाजार अब आस्ता आस्ता खुलने शुरू हो गए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आस्ता आस्ता अब नॉर्मलिटी को वापस लाया जा रहा है, और इसके सबूत आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलेंगे। थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि जो ट्रबल मेकर्स थे पाकिस्तान की तरफ से उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी फ्लैंक्स थे यानी पाकिस्तान की ISI और फंडामेंटलिस्ट फ्लैंक्स थे, चाहे वो NC के लोग हों, BDP के लोग हों, उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया ताकि वो लोगों को उकसा के पत्थरबाजी जैसी एक्टिविटीज ना करवा पाए जो लोगों की सेफ्टी और लार्जर गुड के लिए इम्पोर्टेंट। अगर हम थोड़ा सा कश्मीर से बाहर निकल के बात करते हैं तो जो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल ग्लोबल फ्रंट पे हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या कोई और फोरम हो,
जो सक्सेस नज़र आ रही है वो तो हमें नैरेटिव इंडिया का कामयाब दिखाई दे रहा है, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, झूठ के कोई पैर नहीं, आप कितना प्रोपेगेंडा करेंगे, आप यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की बात करेंगे लेकिन उसमें जो सीक्वेंशियल और नेसेसरी स्टेप्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे। आप कश्मीर को, कश्मीर पे लिया गया एक सोवरेन डिसीजन भारत का, उसे आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जैसे पाकिस्तान की भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो कहाँ तक आप वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर पाएंगे? और फिर वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने प्रूव हो चुका है कि आप टेररिज्म की नर्सरी हैं, टेररिस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर टेररिस्ट अटैक में आपका संबंध है, पाकिस्तानी ISI का कोई ना कोई रोल है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी इन क्वेश्चन है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपकी मिलिट्री हो, ISI हो, उनकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर आउट इन द ओपन। और फिर झूठ बोलना, कानूनी प्रावधानों को अपने तरीके से रीड करना, और कश्मीर की लोगों की भलाई के लिए काम किया गया जो हो उसे ऐसे पेश करना जैसे उनके खिलाफ कोई काम किया गया है, या फिर पुराने वीडियोस निकाल के उन्हें मॉर्फ करके प्रेजेंट करना जैसे कि इंडियन आर्मी यहाँ पे अत्याचार कर रही है, तो ये कब तक चल पाएगा? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तो कई दशकों से अब इन एक्टिविटीज को देख रही है, तो इसीलिए नैरेटिव की जंग इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव सच पे आधारित है और पाकिस्तान का नैरेटिव केवल इसी चीज पे आधारित है कि हमें किसी तरीके से कश्मीर में ट्रबल क्रिएट करके भारत के खिलाफ माहौल क्रिएट करके जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था उसे किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये ना लगे पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान के बनने का जो बुनियादी आइडिया था वो पाकिस्तानी आर्मी या ISI छोड़ चुकी है। तो उनकी कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से समझती है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन में हो, UNHRC में हो, किसी भी इंटरनेशनल सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। जी, और साथ साथ मतलब ये भी है कि जब ह्यूमन राइट कार्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने ओन बैकयार्ड में देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आसिया बीबी के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे दीगर कम्युनिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, और साथ साथ एक बड़ा, बहुत बड़ा ऑपरेशन बलोचों के साथ क्या हो रहा है, सिंध में उर्दू बोलने वाले महाजिर जो कि हिंदुस्तान से आए थे उनके साथ कब से इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, पश्तून फाटा बेल्ट में नाराज़ बैठे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हिस्सों में बटा हुआ पाकिस्तान दिखाई देता है, और वही पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पे किस मुंह से जाकर कहता है कि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये बात ना मेरी समझ में आती है, ना ही आलमी इदारों की समझ में आती है। आखिरी दो मिनट हैं अंकुर शर्मा जी, अगर आप अपना कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल्स के जरिए, प्लीज़ गो अहेड। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलके हमें कम्युनलिज्म या फंडामेंटलिज्म किसी भी तरीके की हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, उसके खिलाफ मिलके हमें जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप ही वर्ल्ड फ्यूचर होगा, और टेररिज्म के खिलाफ भी जंग लड़ने की बुनियाद ही आपका सेक्युलर फ्रेमवर्क रहेगा। और इसीलिए जितने भी लोग दुनिया में हैं या जो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्हें मिलके कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि सेक्युलरिज्म प्रिवेल करे हर जगह पे, टेररिज्म का खात्मा हो, और टेररिस्ट और टेररिज्म को प्रमोट करने वाली जो स्टेट एज एंटिटीज हैं, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मिलके एक मोर्चा खोलना चाहिए, नहीं तो ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड जो है वो खतरे में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर शर्मा साहब, हमें जम्मू से ज्वाइन किया था, एकजुट के चेयरपर्सन और काफ़ी एक्टिव कॉमरेड हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और आज दुनिया ये जान रही है कि जम्मू भी एक ऐसी बड़ी स्टेट, एक ऐसी एंटिटी है जो कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को उस पर ध्यान देना होगा, उनके मामलात को देखना होगा, और काश के इन जैसे नौजवान, इन जैसे लीडर लीड कर सकें इस रीजन को, ताकि वहाँ पे इंसाफ, जस्टिस और इक्वालिटी, और जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहाँ का बोलबाला हो, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के नौजवानों को, इस तरह की लीडरशिप को आगे आने का मौका दिया जाएगा आने वाले दौर में। और साथ साथ
جو صورتحال اس وقت بلڈ ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کو لے کر, اس میں بھی اب دھیرے دھیرے ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے, نیریٹو سمجھ میں آنے لگ گیا ہے, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور یہ ایکسیپٹنس ہی آگے چل کے امن کا باعث بنے گی. پاکستان کو اب طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا اور ان کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے یہ سوچنا ہوگا کہ آج کا بنگلہ دیش جو کل کا پاکستان تھا, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز بینز کے ساتھ ڈیل سائن کر رہا ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ وہاں پہ ہوگی, ہم کیا مینوفیکچر کر رہے ہیں, سوسائڈ بامر, ان کے ہمیں دور بھاگنا ہوگا, اس کو چھوڑنا ہوگا, اس کو ترک کرنا ہوگا, تاکہ وکاس اور ترقی آپ کا فیوچر ہو, آپ کی جنریشن کا فیوچر ہو, اس پورے ریجن کا فیوچر ہو. اور جیسا انکر شرما نے کہا کہ مل جل کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انیس فاروقی کا پروگرام یہیں تک تھا, اجازت دیجیے گا, ہیو اے ویری گڈ ایوننگ.